हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर को इजीली याद कर लोगे। तो ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल में वीनो लेफ्ट कॉर्नर पे एस ब्लॉक है, राइट कॉर्नर पे पी ब्लॉक है, मिडल में डी ब्लॉक है, बॉटम में एफ ब्लॉक है, राइट। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को हम कैसे कैसे याद रखेंगे, एक तो 1 से 30 एलिमेंट हमें याद रखना ही है। सेकेंड थिंग, टॉप टू बॉटम डैट इज डाउन द ग्रुप एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे वो बताऊंगा। डी ब्लॉक वाले को लेफ्ट टू राइट कैसे याद रखेंगे एंड डाउन द ग्रुप वो भी हम देखेंगे, एंड एफ ब्लॉक वाले को कैसे याद रखेंगे और सबके एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 से 30 एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे सिंपल रफी सर के ट्रिक से। तो ध्यान से देखिए, मैंने 1 से 10 एलिमेंट का पहले एक ग्रुप बनाया है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, राइट। ये सबको मालूम है। तो 1 से लेकर के 10 एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे सिंपल इस निमोनिक से। ध्यान से देखो, हेच से हाई, हेच ई से और एल आई से कंबाइन करके हेलो, बी से बेटा, बी से बहुत, सी से क्यूट, एन से नहीं, ओ से और, एफ से फालतू, एन ई से नखरे। तो राइमिंग वर्ड क्या हो गया, हाई हेलो बेटा, बहुत क्यूट नहीं और फालतू नखरे। तो आपको 1 से 10 एलिमेंट याद हो गया। सिमिलरली 11 to 20 एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे उसके सीरियल एटॉमिक नंबर से। तो एन ए से ना, एम जी से मांगो, ए एल से अल्लाह डैट मीन्स गॉड, एस आई से पी से पेप्सी, एस से सोडा, सी एल से कोल्ड ड्रिंक, ए आर से और, के से काजू, सी ए से कतली। तो सिंपल याद हो जाएगा निमोनिक्स क्या है, ना मांगो, अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। इसमें एक पॉइंट और है, जैसे पी से 15, पी से फास्फोरस, ऐसे कनेक्ट कर लेना, एस से सल्फर, एस से 16, तो थोड़ा हमारा काम इजी हो जाता है। तो ये 11 टू 20 को कैसे याद रखेंगे, वैसे ही 21 से 30 तक को कैसे याद रखेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। एस सी से सचिन, टी आई से तेंदुलकर, वी से वेरी, सी आर से क्रेजी, एम एन से मैन, एफ ई से फिर, सी ओ से कोई, एन आई से नया, सी यू से कप, जेड एन से जीतेगा। तो निमोनिक्स क्या हो गया, ध्यान से देखो, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई, नया कप जीतेगा। तो 1 से 30 एलिमेंट को आप कैसे याद रखेंगे, रफी सर ने आपको ट्रिक बता दिया है। नाउ डाउन द ग्रुप एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए सिंपल निमोनिक्स है। ग्रुप नंबर 1 के लिए ध्यान से देखो, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, या फिर हेलिना का रब से फरियाद, बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी खुद का बना सकते हो। ओनली थिंग इज कि आपको याद होना चाहिए डाउन द ग्रुप। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको सोडियम के बारे में मालूम है तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का भी वही प्रॉपर्टीज होगा, इसलिए हमें डाउन द ग्रुप याद रखना है। ट्रेंड में ये बहुत काम आने वाला है। ग्रुप नंबर 2 वाले एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, बी से बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 को कैसे याद रखेंगे, ये वाले, स्कूटर, यामाहा, लाल, एक्टिवा, राइट। तो मैंने निमोनिक्स बना दिया है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 4 वाले को कैसे याद रखोगे, टी आई को आप रीड कर सकते हो, टी, तो टी ज़रा हाफ, राइट। मैंने यहाँ पे उसके निमोनिक्स और जो सिंबल है वो भी कनेक्ट किया हुआ, इसलिए ध्यान देना है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 5 को कैसे याद रखेंगे, वी से हो गया वो, एन बी से नोबॉल, टी ए से था, या फिर वो नवाब था, ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट 6 को कैसे याद रखेंगे, तो 6 ग्रुप वाले के लिए हो जाएगा, क्रोना मौत वाला, या फिर कार मोटर वाला, राइट। 7th ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, मन तक रे, राइट। 8th ग्रुप को आप कैसे याद रखोगे, फिर रुलाया उसे, एफ ई से फिर, आर यू से रुलाया, ओ एस से उसे, या फिर अगर इसको पढ़ो तो फेरस, यू नो आयरन प्लस 2 वाले को फेरस भी बोलते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग है बट वी कैन रीड फेरस, कनेक्शन होना चाहिए, राइट। 9th वाले को सी ओ से कौन, आर एच से रहेगा, आई आर से इधर, कौन रहेगा इधर, राइट। 10th वाले को एन आई से नहीं, पी डी से पढ़ोगे, पी टी से पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, या फिर नहीं पढ़ेगा पंडित, इस टाइप से बहुत सारा बना सकते हैं। 11th वाले को सी यू से क्यू, ए जी से आगे, ए यू से आऊँ, क्यों आगे आऊँ, क्वेश्चन मार्क। 12th वाले को कैसे याद रखोगे, जेड एन से जैन या जैनब, जो भी, कैनेडा, राइट, सी डी से, एच जी से होगा या होगी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट ग्रुप नंबर 13 से 18 तक को कैसे रखेंगे याद, डाउन द ग्रुप। तो ध्यान से देखो, 13 के लिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट। तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर बाल गंगाधर इन तिलक, या फिर बाल गए इंडियन तेल से। देर आर सो मैनी, आपको जो इजी लगे। 14 ग्रुप के लिए आप कैसे याद रखोगे, कहे सीता जी, राइट, गॉडेस हैं तो रिस्पेक्ट, और सुनो प्रभु, या फिर काशी गंगे संत पार्वती, सारे रिवर्स के नेम हो गए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 15 ग्रुप के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, एन से न्यूज, पी से पेपर, एस से आज, एस बी से सब, बी आई से बिकेंगे, न्यूज पेपर आज सब बिकेंगे, या फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देर आर सो मैनी, आपको जो ईजी लगे। 16 को कैसे याद रखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टेलीफोन, राइट। तो सिंपल हो गया, ओ से ओल्ड, एस से स्टाइल, एस ई से टी से टेली, पी ओ से फोन, तो मैंने कनेक्ट कर दिया, आप इजीली याद रख सकते हो। 17 को कैसे याद रखोगे, एफ से फादर, सी एल से कलेक्टर, बी आर से ब्रदर, आई से इंस्पेक्टर, अटेंशन। तो अभी से बात है, अगर किसी परिवार में फादर कलेक्टर हो, ब्रदर इंस्पेक्टर हो, तो आप जब जाओगे तो अटेंशन आपको रखना पड़ेगा, या फिर कल बिरयानी आई एट, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर कल बाहर आई आंटी। देर आर सो मैनी, आपको जो इजी लगे। 18 को अगेन कैसे याद रख सकते हैं, एच ई से हीना, एन ई से नीना, ए आर से और, के आर से करीना, हीना नीना और करीना, जेनॉन और रेडॉन से जेरोक्स, राइट, और ओ माई गॉड, ओ जी से ओ माई गॉड। तो हीना नीना और करीना का जेरोक्स ओ माई गॉड, या फिर है नहीं अर्जुन करण जैसा रणवीर, ओ माई गॉड। देर आर सो मैनी, आपको जो ईजी लगे। तो ये 1 to 18 ग्रुप एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, वो निमोनिक्स हमने आपको दे दिया है। नेक्स्ट 3D और 4D सीरीज एलिमेंट को आप लेफ्ट टू राइट कैसे याद रखेंगे, उसके लिए सिंपल निमोनिक्स है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा, SCTIVCRMNFECONICUNDZN, राइट। तो ये आपको 21 to 30 पहले भी याद करा चुका हूँ, तो उससे हो जाएगा। सिमिलरली 4D सीरीज एलिमेंट को आप कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आगे कूद जाना, डैट मीन्स वॉइस हो गया, यारी ZR से जरा, NB से निभाना, MO से मौत, TC से तक, RU से रुकावट, RS से राहों में, PD से परे तो, AG से आगे, CD से कूद जाना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 5D और 6D सीरीज एलिमेंट को कैसे आप याद रखोगे, तो वेरी सिंपल, ला हफ्ता वर्ना रे, उससे इधर पिटाई और होगी, LA से मैंने बना दिया ला, HF और TA दोनों को कंबाइन किया तो हफ्ता, W से वर्ना, RE से रे, OS से उससे, IR से इधर, PT से पिटाई, AU से और, HG से होगी। सिमिलरली अगर हम 6D सीरीज एलिमेंट की बात करें तो वेरी सिंपल, AC से अच्छा, RF से रफी सर, DB से दोबारा, SG से सॉन्ग, BS से भूलेंगे, HS से हंसो, MT से मत, हंसो मत, DS से दूसरा, RG से राग, CN से सुनो। तो वेरी सिंपल हो गया राइमिंग वर्ड, अच्छा रफी सर दोबारा सॉन्ग भूलेंगे, हंसो मत, दूसरा राग सुनो। तो नाउ अब हम बात करते हैं F ब्लॉक एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे। नेक्स्ट 4F सीरीज के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, राइट, यूरोप घूमने गए, ये एक राइमिंग वर्ड हो गया, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, ये दो पर्सन है, यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। तो वेरी सिंपल है, सी से सीता, PR से प्रसाद, ND से एंड, PM से पूनम, SM से शर्मा, EU से यूरोप, GD से घूमने गए, TB से तभी, DY से डायरिया, HO से हो गया, ER से और, TM से तुम, YB से अभी, LU से लौटो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 5F सीरीज के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल, TH से थोड़े, PA से पहलवान, U उनसे, NP निपटेंगे। तो ये एक वर्ड हो गया, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, PU से पुराने, AM से आम, CM से कम, BK से बिकेंगे, CF से कैफे में, तो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ES से इस बार, FM से FM, राइट, MD से मोदी जी, NO से नो, LR से लेक्चर, तो इस बार FM पे मोदी जी का नो लेक्चर। तो ये तीन राइमिंग वर्ड में हमने इसको कनेक्ट किया है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे,
पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, यू नो कैफे में वैसे भी आम नहीं मिलेगा, और इस बार एफएम पे मोदी जी का नो लेक्चर। तो इस तरीके से आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को हमने याद करा दिया। नाउ पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, उसके लिए सिंपल ट्रिक है, और ध्यान से देखें, ट्रिक का पॉइंट बहुत ईजी है। यू नो ध्यान से देखो, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट है, तो उसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 8 एलिमेंट है, वो यहाँ लिखा मैंने। थर्ड पीरियड में भी ध्यान से देखो तो 8 एलिमेंट है। उसके बाद अब फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में देखेंगे तो टोटल 18 एलिमेंट है, जिसको मैंने यहाँ लिखा। और सिक्स एंड सेवन पीरियड में 18 तो ये जो आपको दिख रहे हैं वो तो हैं ही, और ध्यान दें लैंथेनम के अंदर ये 14 है और एक्टिनियम के अंदर ये 14 है, तो टोटल सिक्स एंड सेवन पीरियड में 32 एलिमेंट है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। तो ये सिंपल आपको मालूम ही है, याद हो जाएगा इजीली। टू का मतलब इटसेल्फ वो बता रहा है कि हर नंबर दो बार आना चाहिए, 88, 18, 32। ये क्या हो गए, हर एक पीरियड में एलिमेंट के नंबर हैं, फर्स्ट पीरियड में दो, सेकंड थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ फिफ्थ में 18, सिक्स सेवन में 32। नाउ अब आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल ये क्रॉस वाला गेम खेलना है, वेरी सिंपल। पहला कट मारा तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके सामने जो जो है नंबर वो लिख देना है, राइट। तो 88, 18, 32। नेक्स्ट वाले में दो कट आपने मारा, राइट, एक एक कट बढ़ाते जाना है, तो सामने में क्या है, 8, 18, 32। तीसरे वाले में तीन कट, तीन से आप याद रख सकते हैं, तीन कट, तो 18, 32, सामने में जो दिख रहा है वो लिख देना। फोर में फोर कट, तो आप ध्यान से देख लो, 18, 32, 32। ये कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर वो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है तो आपको इस तरीके से उसके एटॉमिक नंबर में ये नंबर जोड़ना है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो ग्रुप टू का हो या 18 का, तो ये नंबर आपको ऐड करना है, 13 से लेकर के 17, डेट मीन्स 13 से लेकर के 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17, तो आपको ये वाला नंबर उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर वो ग्रुप नंबर सिर्फ 3 का है तो ये वाला नंबर ऐड करना है, और 4 से लेकर के 12, डेट मीन्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, तो ये नंबर जोड़ना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, वेरी सिंपल वेरी इजी। जैसे हाइड्रोजन, तो सभी को मालूम है इसका एटॉमिक नंबर 1, अब उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 1 हो गया और फर्स्ट ग्रुप का हो गया। फर्स्ट ग्रुप में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, 1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, पहले कितना जोड़ना है 2, तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर यू नो 3। फिर उसके बाद कितना जोड़ना है, 8, तो 3 में 8 जोड़ोगे तो 11, फिर 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, फिर 19 में अब 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 37, फिर 18 जोड़ना है तो कितना, 55, राइट, फिर 32 तो कितना हो जाएगा, 87, और फिर 32 तो कितना हो जाएगा, 119। तो उस ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया। वैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्कैंडियम 21, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, और डैट्स वेरी इजी, क्योंकि 1 से 30 तक हमने याद करा दिया है, तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट आपको मालूम है। हर ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का ये है, सेकेंड का ये है, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, ये आपको सब याद करा दिया हूँ, और इधर से ये सारे, ध्यान दें 18 में ये है फर्स्ट एलिमेंट, तो सबको मालूम होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी आपको याद करा दिया हूँ। उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, उसके लिए ये टेबल है। जैसे स्कैंडियम, अब स्कैंडियम का हो गया 21, थर्ड ग्रुप का ये, तो थर्ड ग्रुप वाले में डायरेक्ट कितना जोड़ना है, ध्यान से देखो, डायरेक्ट अब आपको 18 जोड़ना है, तो 21 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39, डैट मीन्स ये टीडीएम का कितना हो जाएगा, 39, फिर कितना जोड़ना, ध्यान से देखो, 18, तो आपको कितना हो जाएगा, लेंथेनम का 57, फिर कितना जोड़ना, ध्यान से देखो, 32, तो डैट मीन्स कितना हो गया, 89, किसका, एक्टिनियम का। नेक्स्ट जिंक, डैट इज 30, राइट, तो ये कौन सा हो गया, 12th ग्रुप में, तो 4 से 12 वाले में डायरेक्ट कितना जोड़ना है, 18, तो 30 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 48, फिर कितना जोड़ना है, 32, तो कितना हो जाएगा ये, 80, राइट, इस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लोरीन 9, तो फ्लोरीन जो हो गया वो आपको 17 ग्रुप का, इसमें आ गया 13, 2, 17 वाले में, तो पहले कितना जोड़ना है, 8, तो 9 में 8 जोड़ोगे तो 17, फिर उसके बाद कितना जोड़ना है, 18, तो 35, फिर कितना जोड़ना है, 18, तो कितना, 53, फिर कितना जोड़ना है, 32, तो कितना हो जाएगा, 85,
और फिर कितना जोड़ना है 32, तो कितना हो जाएगा 117। तो देखो उस ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो गया। वैसे ही HE तो ये ग्रुप नंबर 2 का हो गया, या फिर ग्रुप नंबर 18 का, सेम ही है। तो बाय द वे ये ग्रुप नंबर 18 का है, तो राइट, तो 2 में पहले कितना जोड़ना पड़ेगा 8, तो कितना आ जाएगा 10, फिर 8 18, फिर 18 तो 36, फिर 18 तो 54, फिर 32 तो 86, फिर 32 तो 118। तो आप देख सकते हो आपको हर ग्रुप का पहला एलिमेंट मालूम है, उसका एटॉमिक नंबर मालूम है, उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप सिंपल स्ट्रिक से कर सकते हो। और एक पॉइंट ये कि विनो की जो एफ ब्लॉक वाले हैं ये फिक्स ही हैं, राइट, तो सी जो है वो 58 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान देना, और 58 से स्टार्ट होगा और एंड कितने पे होगा 71 पे, 58 59 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये जो है 89 में ये 90 से स्टार्ट होगा, 89 तो खुद एक्टिनियम है, 90 से स्टार्ट होगा और ये 103 पे एंड होंगे। तो इसका तो फिक्स हो गया 58 से 71 में ये एफ ब्लॉक वाले हैं, 90 से 103 में एफ ब्लॉक वाले, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का आपको ट्रिक दे दियो। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। जो ग्रुप नंबर 1 है एस ब्लॉक वाला, उसको बोलते हैं अल्काली मेटल, बट उसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा, ध्यान देना, लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक उसको बोलते हैं अल्काली मेटल। वैसे ही ग्रुप नंबर 2 जो है उसमें बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ध्यान दे, बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं आता, इस पॉइंट का ध्यान रखना। वैसे ही ग्रुप नंबर 15 उसको बोलते हैं निकोजेन, पी साइलेंट है, और ये क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, राइट, आपने नाम सुना होगा NPK। वैसे ग्रुप नंबर 16 उसको बोलते हैं चालकोजेन, क्यों, क्योंकि इसके ओर होते हैं, ऑक्साइड या सल्फाइड ओर, राइट। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन के नाम से जानते हैं क्योंकि सॉल्ट बनते हैं, जैसे NaCl, राइट। ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस, एनर्ट गैस या जीरो ग्रुप बोलते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान दें, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक, 3 से लेकर के 11 तक वाले को ट्रांजिशन बोलते हैं, डैट मीन्स ग्रुप नंबर 12 ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है उसका डी ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड है, चाहे उसके मेटेलिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में, इसलिए उसको ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं। बट वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 12 आएंगे बट ट्रांजिशन में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये जो एफ ब्लॉक वाले हैं वो ट्रांजिशन के अंदर हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। ध्यान दे, ये जो 4F वाले हैं, चूंकि ये लैंथेनम के अंदर है तो लैंथेनोइड सीरीज बोलते हैं, और ये जो 5F वाले हैं वो एक्टिनियम के अंदर है तो एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। वैसे ही ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 to 17, इसमें जो एलिमेंट है ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया, 1, 2 और 13 to 17, इस वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये एक तरह से पीरियोडिक टेबल को जो आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको पहले ये दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस पॉइंट नीचे है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और कि जैसे ये बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, टेलीफोन, लाते, ये जो मैंने किया ये सब क्या है, टिपिकल मेटोलाइट आते हैं, तो इसके इधर वाले क्या होंगे, नॉन मेटल, और इसके नीचे वाले क्या होंगे, मेटल। तो ये सब ध्यान रखना। यू ऑलरेडी नो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में मैक्सिमम मेटल ही है, राइट, सिर्फ पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक विच कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइड, राइट। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC के अकॉर्डिंग, और अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो तो वो एलिमेंट किस पीरियड, किस ब्लॉक और किस ग्रुप का होगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस रफी सर के सिंपल ट्रिक से। तो ध्यान से देखें, पॉइंट नंबर 1 के IUPAC नेम सिर्फ हम किसका करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर हो, और उसके लिए फिक्स रूल है, डेट्स वेरी सिंपल, 0 के लिए नील वर्ड यूज करेंगे और सिंबल सबका फर्स्ट लेटर रहेगा, वेरी सिंपल। तो 0 के लिए नील, 1 के लिए यूनिट वर्ड से अन हो गया, सिंबल पहला लेटर यू हो जाएगा, राइट, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा यूज नहीं कर सकते, रीजन कि दोनों लेटर सेम हो जाएंगे, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए 4 के लिए क्वाड यूज करेंगे, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, दैट इज ओके, अगेन 7 के लिए हेप्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सेप्ट यूज करेंगे। तो वेरी सिंपल, SA7 SA7 ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हो, क्यों, ताकि दोनों लेटर सेम ना हो। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए अगेन नॉन वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एन यूज हो चुका है, तो एन वर्ड यूज करेंगे,
तो ये 0 से लेकर 9 नंबर के सिंबल आपको याद होना चाहिए और उसका ये याद होना चाहिए। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो वेरी सिंपल, आपको इस तरीके से नंबर दे देगा और इसका नाम बताओ। तो वेरी सिंपल, पहले आपको 1 का लिखना है, तो 1 के लिए क्या है, अन, राइट। 0 के लिए क्या है, तो नील। 8 के लिए क्या था, तो ऑक्ट। तो ऐसा लिख देना आपको डिजिट का नेम, अन नील ऑक्ट, और लास्ट में क्या लगा देना, IUM, तो अनिल ऑक्टियम। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रूबीडियम, सब में देखो IUM लगा हुआ, क्योंकि ये मेटल है जनरली, तो इसलिए ये नाम हो जाएगा उसका। सिमिलरली इसका सिंबल अगर बोलता तो सबका फर्स्ट लेटर, 1 के लिए U था, राइट, 0 के लिए N था, 8 के लिए O था, तो UNO ऐसा हो जाएगा इसका सिंबल, ऐसा सजेस्ट किया गया। जैसे 119 का लिखना हो, तो 1 है तो अन, फिर 1 है तो अन, और 9 के लिए N, राइट, और लास्ट में IUM, तो अन अन इनियम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, UUE। इस टाइप से आप कर सकते हो। वैसे 113 है तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, 3 के लिए ट्राई। अब ध्यान से देखो, ऑलरेडी लास्ट में आई आ रहा है, तो फिर से IUM नहीं, फिर उसके बाद UM सिर्फ, क्योंकि ऑलरेडी आई आ चुका है, तो अन अन ट्रायम, और सिंबल कैसा हो जाएगा, UUT। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दूसरा, इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है, जैसे सिंबल दे दे, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा या कौन से पीरियड ब्लॉक ग्रुप में होगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे UUB मतलब 112, राइट, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 112। सिमिलरली UNO, U मतलब 1, N मतलब नील, तो 0, O मतलब ऑक्ट, तो 108। UUQ तो 11Q मतलब 4, तो इस टाइप से आपको दे सकता है। तो ये बहुत ईजी है, कई बार पूछे जाते हैं, तो सिंपल हम 4 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। नाउ वो ट्रिक जिससे आप किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर गिवन हो तो उसका पीरियड ब्लॉक ग्रुप क्या होगा, डैट मीन्स पबजी की बात करेंगे हम। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, ट्रिक का पॉइंट क्या है कि पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, ये आपको मालूम है। तो रेफरेंस हमने हर पीरियड में नोबल गैस को लिया है, तो फर्स्ट पीरियड में रेफरेंस कौन हो गया, हीलियम, सेकेंड में नियॉन, थर्ड में आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओजी, राइट। एटॉमिक नंबर आपको सबका याद करवा दिया ट्रिक से, क्योंकि पहला एलिमेंट का 2 मालूम है, उसके बाद 8 जोड़ना है, तो 10, फिर 8 तो 18, फिर 18 तो 36, फिर 18 तो 54, फिर 32 तो 86, फिर 32 तो 118। तो ये आपको उस ट्रिक से याद हो जाएगा, वेरी इजी है, राइट, और सबको याद रहता है। तो ये एटॉमिक नंबर हमारे लिए क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। अब जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसको इससे कंपेयर करना है और ध्यान से देखना है कि उसके लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड जाना है, उसी पीरियड में जाना है, तो पीरियड वही रह जाएगा, राइट साइड जाएंगे तो नेक्स्ट पीरियड में चले जाएंगे, राइट। अभी मैं एग्जांपल से समझाता भी हूँ। तो ये हमारे लिए हो गया रेफरेंस नंबर। तो ट्रिक का एक पॉइंट और ये है कि ये वाला ट्रिक आपको ये नंबर में नहीं लगाना, 58 to 71, डैट मीन्स 58 को इंक्लूड करते हुए और 71 को भी इंक्लूड करते हुए, ये दोनों नंबर हो या इनके बीच का कोई भी नंबर हो, तो उसका पीरियड फिक्स हो चुका है 6, और ब्लॉक भी फिक्स हो चुका है F ब्लॉक, और ये ग्रुप भी फिक्स हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे होंगे वो एस्केंडियम, यटेरियम, लेंथेनम, ये लेंथेनॉइड सीरीज वाले, तो लेंथेनॉइड सीरीज के सारे एलिमेंट F ब्लॉक के होंगे, इसलिए ब्लॉक फिक्स, ग्रुप नंबर 3 में होगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 होगा, राइट, तो ग्रुप नंबर 3 ये भी फिक्स, और पीरियड भी फिक्स है, ये 6 पीरियड में आते हैं, तो इसलिए ये फिक्स हो जाएंगे। सिमिलरली कहीं पे अगर एटॉमिक नंबर 90 से 103 वाला आ रहा हो, 90 और 103 दोनों इंक्लूडेड है, या इनके बीच के कोई भी नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसमें ये वाला आपको कंसेप्ट नहीं लगाना है। सिंपल उसका पीरियड 7 हो जाएगा, ब्लॉक अभी भी F रहेगा, ग्रुप 3, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव नाइट सीरीज वाले हो जाएंगे, तो ब्लॉक F ब्लॉक है, राइट, ग्रुप 3 है, और पीरियड 7 फिक्स हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ द जितने भी एटॉमिक नंबर बचे उसमें ये ट्रिक आप लगा सकते हो। लेकिन एक और मैंने पॉइंट दिया कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 से लेकर के 118 तक आ रहा हो, ध्यान दें ये दोनों नंबर अगेन इंक्लूडेड है, तो 104 हो, 105, 6, 7 एंड सो ऑन 118 तक, तो उसका जो पीरियड हो जाएगा वो फिक्स है, डैट इज 7। और ग्रुप आप कैसे पता लगाएंगे, तो वेरी सिंपल, 100 से कितना एक्स्ट्रा नंबर है, जैसे अगर 105 है तो 100 से 5 ज़्यादा तो वो फिफ्थ ग्रुप का होगा, और फिफ्थ ग्रुप बोले तो फिर ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक, क्योंकि बिनो 1, 2 जो है वो एस ब्लॉक है, फिर 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक है, और ये फिर
आपका 13 से 18 पी ब्लॉक है, तो इसलिए पीरियड उसका फिक्स हो गया। ग्रुप जो होगा वही नंबर हो जाएगा जो नंबर 100 से ज़्यादा है, जितना एक्स्ट्रा है तो ग्रेटर देन 100 वही नंबर हो जाएंगे, और ब्लॉक उसके फिर अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर देंगे। तो ये है अपना ट्रिक। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात यहाँ पे करते हैं। जैसे सपोज करो आपको दिया कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 68 है, तो उसका पीरियड ब्लॉक ग्रुप बताओ पीवीजी। तो देखो 68, तो 68 एक्चुअली इन दोनों के बीच में हो गया, तो पीरियड इसका फिक्स हो गया 6, राइट। ब्लॉक अभी भी एफ रहेगा, ग्रुप 3। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली आप बता सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, आप पीवाईक्यू देख सकते हो। वैसे ही 102, तो 102 इज इन बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो अगेन पीरियड इज फिक्स 7, ब्लॉक इज एफ, ग्रुप इज 3। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, तो वो कौन से पीरियड ब्लॉक ग्रुप में होगा, तो 83 को आपको कंपेयर करना है ये एटॉमिक नंबर जो रेफरेंस वाले, तो 83 इज क्लोज टू 86, जिसके क्लोज होंगे उसमें चले जाना है, तो 86 के क्लोज है, राइट। और 86 हमारा ज़्यादा हो गया है, 83 तक ही जाना है, तो इसका मतलब ये 18 वाला था 86 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इधर जाना हमें, राइट। तो 86 से पहले कौन, 85 आएगा, फिर 84, फिर 83। तो एक बात क्लियर हो गया कि उसी लाइन में चल रहे हैं, तो 86 वाले का पीरियड कौन है 6, राइट। तो इसलिए पीरियड इसका क्या हो जाएगा 6। और बात करेंगे अगर ब्लॉक की, तो यू नो 18 से लेकर के 13 तक आपका कौन सा है पी ब्लॉक, तो ये 18 है और आपका ये 83 लेके आना है, तो 86 फिर 85 फिर 84 फिर 83। तो आप ध्यान से देख सकते हो, तो अभी भी हमारा ब्लॉक क्या रहेगा पी रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 18 ग्रुप, ये 17, ये 16, ये 15, तो ग्रुप भी आपको मिल जाएगा कि ये 15 ग्रुप में, जस्ट आपको देखना है कि कितना पीछे जाना है। तो 15 ग्रुप हो गया ब्लॉक पी ब्लॉक, क्योंकि 13 तक अभी भी पी ब्लॉक रहता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एटॉमिक नंबर 37 है, तो पीरियड ब्लॉक ग्रुप बताना है, तो अगेन 37 इज क्लोज टू 36, ध्यान से यहाँ से देखो, तो 36 के आगे जाना है, तो यू नो कि यहाँ पे 18 के बाद कुछ नहीं, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट। तो 36 के आगे होगा 37, तो आपको पीरियड जो होगा 36 का पीरियड कौन सा है 4, तो उससे आगे चले जाएंगे तो नेक्स्ट पीरियड में इंटर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा पीरियड 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट पीरियड में आ जाएंगे, राइट। तो पीरियड आपका हो जाएगा 5। ब्लॉक की बात करेंगे, तो डेफिनेटली अब ये फर्स्ट और सेकंड वाले एस ब्लॉक होते हैं, तो ये एस ब्लॉक होगा। ग्रुप की बात करेंगे, तो ये ग्रुप नंबर 1 में आ जाएगा, 38 होता तो ग्रुप नंबर 2 में। तो देखो इस रेफरेंस से कितना ईजी हो जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा पूछने का तरीका ऐसे है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा फिर उससे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। आर्गन बोले तो 18 तो ये हो गए, राइट, और 2 ये, तो 20 और 10 तो 30 और ये 3, तो इसका मतलब 33। आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, तो 33 हो गया, अगेन 33 इज क्लोज टू 36, बट 36 से कम है, तो उसी में हमें पीछे आना है, राइट। तो 36 है, तो पीरियड अभी भी इसका क्या रहेगा 4। ब्लॉक अभी भी ध्यान से देखो, तो ये पी ब्लॉक में ही रहेगा, और कैसे, तो ध्यान से देखो 36, 35, 34, 33, 36 वाले फिक्स हैं 18, राइट, ग्रुप, तो ये 17, ये 16 और ये 15, तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 15, और ग्रुप 15 है तो कौन सा हो गया पी ब्लॉक, तो ऐसे करना है। सिमिलरली आपको सिंबल दे देगा इस टाइप से, या नेम दे सकता है, फिर से पूछा जाए तो यू मतलब हो गया 1, एन मतलब नील, तो राइट 0, ओ मतलब ऑक्टियम, तो 8, तो ये 108 एटॉमिक नंबर हो गया। तो वेरी सिंपल, इसके केस में आपको डायरेक्ट बताया है पीरियड फिक्स है 7। ब्लॉक ग्रुप कैसे करेंगे, तो 108 में एक्स्ट्रा कितना है 100 से 8, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 8, और ग्रुप 8 है तो यू नो 3 से लेकर के 12 तक कौन सा है डी ब्लॉक का, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा इसका डी ब्लॉक। देखो कितना ईजी हो रहा है, राइट। सिमिलरली इस टाइप से सिंबल दे दे, तो आप कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमने आपको एक निमोनिक्स दिया था सबसे लास्ट 7th पीरियड वाले का, कि अच्छा रफ़ी सर दोबारा सॉन्ग भूलेंगे हंसो मत, वही वाला है, राइट। तो एसी जो था अच्छा वाला, ये 89 वाला था, फिर इसमें 14 आपके कौन आ जाएंगे एफ ब्लॉक वाले, तो 103, उसके बाद 104 में अच्छा ये था रफ़ी सर दोबारा सॉन्ग भूलेंगे हंसो मत, ये वाला है मत, राइट।
तो ये 104, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 109। और अगर 109 हो गया तो फिर से पीरियड फिक्स हो गया 7। ब्लॉक की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे तो कैसे 100 से 9 एक्स्ट्रा है, राइट। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा इसका 9, और ग्रुप नंबर 9 है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा डी। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक्स आप कर लेंगे। ध्यान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट को पहले प्रिडिक्ट किया था और उसका नाम रखा था उसने इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरॉन, तो इस पे बेस्ड मैच द कॉलम आ सकते हैं या पूछा जा सकता है चार ऑप्शन दे करके कि इक्का सिलिकॉन एक्चुअली में एट प्रेजेंट कौन सा एलिमेंट है। तो इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम है, इक्का एल्युमिनियम गैलियम है, इक्का बोरॉन स्कैंडियम है। कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल रफ़ी सर का ट्रिक, ध्यान से देखो, एस आई से सीता, जी से गीता, तो सीता गीता, ए एल एल्युमिनियम जी, तो अलग, सब्जेक्ट में बी एस सी की है, तो रैमिंग वर्ड क्या है, सीता गीता अलग सब्जेक्ट में बी एस सी की है। डैट मीन्स सीता गीता मतलब इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलेंगे, अलग में दोनों आ रहा है, राइट, ए एल इक्का एल्युमिनियम को गैलियम जी से, सब्जेक्ट इज ए कनेक्टिंग वर्ड, बी एस सी मतलब इक्का बोरॉन को बोलेंगे स्कैंडियम, तो ये रैमिंग वर्ड से याद रख सकते हो, सीता गीता अलग सब्जेक्ट में बी एस सी की है। तो ये हो गया। सेकेंड, जो आप जानते हो कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड 7 है और ग्रुप 18 है, राइट। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसको रोज बोलते हैं, ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल कॉलम नहीं बोलना, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और वर्टिकल कॉलम होते हैं। जो ये वर्टिकल लाइन है इसको कॉलम बोलेंगे और इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रोज होता है, तो इसको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3, कि जैसे मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया था, बट इन सब में उसका ये पॉइंट गलत हो गया था, तो पूछा जा सकता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जहाँ पे मेंडलीफ ने उसको अकॉर्डिंगली एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा। तो ये चार पेयर हैं, ए आर, आर्गन और पोटेशियम में ऐसा उसने नहीं किया था, तो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, इस वर्ड से याद रख सकते हो, ये वो पेयर है जहाँ पे मेंडलीफ फेल हो गया, राइट। यू नो मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट को बेस लिया था जबकि मॉडर्न पीरियड टेबल एटॉमिक नंबर को, और ये वैलिड है। तो यू नो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडलीफ या उससे पहले वाले जितने भी साइंटिस्ट थे सबने एटॉमिक वेट पे लिया था। एंड एक लास्ट पॉइंट, कि जो पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से ग्रुपिंग किया हुआ है, राइट, एक तो ग्रुप नंबर 1 to 18 आपका और एक रोमन नुमरल में, तो दोनों का क्या कनेक्शन है, इस पर बेस भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए ध्यान देना, ध्यान दो, जो एस ब्लॉक वाले हैं और जो पी ब्लॉक वाले हैं उसको ग्रुप ए में रखा गया, और जो डी ब्लॉक वाले हैं उसको ग्रुप बी में रखा गया। डैट मीन्स जो हेवियर एलिमेंट है उसको ग्रुप बी में, जो लाइटर एलिमेंट है उसको ग्रुप ए में। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे ग्रुप नंबर 1 है आपका तो उसको 1A, राइट, रोमन नंबरल से 1 से 1 कनेक्ट होता है, 2 से 2 2A, तो एस ब्लॉक वाले A में है। उसके बाद ये जो ग्रुप नंबर 3 है इसको 3B बोलेंगे क्योंकि ये B में आता है, 4 वाले को 4B, 5 वाले को 5B, 6 वाले को 6B और 7 वाले को 7B, यहाँ तक तो ठीक है। 8, 9, 10 इन तीनों को मेंडलीफ ने एक ही इसमें रखा था और उसको 8 बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ। तो ध्यान रखना 8, 9, 10 तीनों ही 8 रोमन नंबरल में आता है। फिर ये जो 11th वाला है तो 10 से कितना ज़्यादा हो गया 1, तो इसलिए 11th वाले को 1B, ध्यान दें 1B ये है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11th ग्रुप ही 1B है, 12th ग्रुप आपका 2B है। डैट मीन्स 10 से जितना ज़्यादा हो रहा है, जैसे 13 में 10 से 3 ज़्यादा है तो ये 3rd, बट ए का होगा क्योंकि पी ब्लॉक वाले सारे ए हैं। 14 को 4th ए भी लिख सकता है, 15 को 5th है, 16 को 6th है और 17 को 7th है, तो इसलिए ध्यान देना 7th ए लिखे या 17 दोनों एक ही बात है, और 18 को 0 या एनर्ट गैस भी बोलते हैं, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या कनेक्शन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपको टोटल 5 ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा जिससे आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज या आयनिक साइज से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को 25 सेकंड के अंदर में कर लोगे। तो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1, डैट इज ट्रेंड। ट्रेंड कहने का मतलब कि जनरली ये ट्रेंड फॉलो होगा, देयर मे बी सम एक्सेप्शन। और ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज या आयनिक साइज का, कि लेफ्ट टू राइट में वो डिक्रीज होगा, राइट, और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होंगे, राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो देखो ध्यान से, साइज डिक्रीज होता जाएगा, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होंगे, क्यों, क्योंकि शेल इंक्रीज होता जाता है, राइट, तो शेल इंक्रीज होंगे तो डैट मीन साइज इंक्रीज होगा, ये जनरल ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। और हर एक पीरियड में नोबल गैस सबसे ज़्यादा
एटॉमिक साइज होगा उसका, इस पॉइंट का भी ध्यान में रखना है, राइट। पॉइंट नंबर टू, उसी पॉइंट को समझाया है, क्योंकि नोवल गैस में हम लोग वैन डर वाल रेडियस की बात करते हैं, जिसमें दो एटम के बीच कोई टच नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल रेडियस है उससे भी ज़्यादा होगी वैन डर वाल रेडियस। मेटल में दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, इसलिए जो एक्चुअल रेडियस होगी और जो इससे निकालोगे वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगी, तो मेटेलिक रेडियस। नॉन मेटल में चूंकि ओवरलैपिंग होती है तो कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं, और इसमें जो एक्चुअल रेडियस होगा वो एक्चुअली कम होगा जो आपका ये वाला रेडियस है, तो इसलिए ऑर्डर का भी पूछा जा सकता है। तो वैन डर वाल सबसे बिग, फिर मेटेलिक, फिर कोवलेंट, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर थ्री, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आपको कभी भी एटॉमिक साइज या आयनिक साइज कंपेयर करना हो तो पहले ये देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है वो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम चांस होता है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे काउंट करेंगे, अगर सब में सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो, राइट। तो अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकल गया तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना साइज बड़ा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना साइज छोटा। क्यों? नेगेटिव होगा तो रिपल्सन होगा, साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, साइज कम होगा, इस पॉइंट का ध्यान रखना। इसीलिए सबसे आगे नेगेटिव वाले आएंगे, फिर न्यूट्रल वाले जिस पर कोई चार्ज ना हो, फिर प्लस वाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पर -3 तो वो सबसे बड़ा होगा, फिर O-2, फिर F-, फिर Ne, फिर Na+, फिर Mg+2, फिर Al+3, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सब में कितने 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकल गया तो आपको कुछ नहीं सोचना है, नेगेटिव वाला सबसे आगे, पॉजिटिव वाले सबसे पीछे, राइट, इस पॉइंट का ध्यान रखना। और अगर सेम एलिमेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो, डिफरेंट एलिमेंट है, अगर एलिमेंट सेम है तो अगेन वही सेम पॉइंट, नेगेटिव वाले का सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल वाला, फिर पॉजिटिव वाला, तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। एंड पॉइंट नंबर 5 कि S से ज़्यादा P, P से ज़्यादा D, D से ज़्यादा F की साइज होती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, और साइज अगर बढ़ेगा तो उसका शील्डिंग या स्क्रीनिंग पुअर हो जाता है, तो इसलिए शील्डिंग या स्क्रीनिंग कैपेसिटी जो होगी वो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये टोटल 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक्सेप्शन सब है जो ध्यान रखना है, बस यही है, राइट। पॉइंट नंबर 1 कि बोरॉन से बड़ा साइज गैलियम और गैलियम से बड़ा साइज एल्युमिनियम, यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, जबकि वी नो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है 13 ग्रुप में, बाकी चीज एज यूजुअल है, तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा, 3D से बड़ा साइज 4D का और 4D से बड़ा 5D का होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्स दोनों का साइज सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इस पॉइंट का भी ध्यान में रखना। और ये ग्रुप नंबर 4 से लेकर के 12 तक में लगाना है। फॉर एग्जांपल कॉपर से बड़ा साइज सिल्वर का और सिल्वर गोल्ड का ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, तो इसको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है। एंड पॉइंट नंबर 3, पूरे पीरियोडिक टेबल में यही 3 एलिमेंट है जो डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायगनली आते हैं, तो लिथियम के डायगनली कौन है? मैग्नीशियम, बेरिलियम के डायगनली एल्युमिनियम, और बोरॉन के डायगोनली सिलिकॉन, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नाउ एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 में इनका आपको आयनिक साइज का ऑर्डर बताना है, तो अगेन ध्यान से देखो, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमने क्या बोला, सबसे बड़ा कौन होगा, जिस पे सबसे ज़्यादा निगेटिव, तो यहाँ पे -2 है, तो S-2, फिर Cl-1 वाले, फिर कम प्लस वाले K+, फिर Ca+2, ये हो जाएगा आयनिक साइज का ऑर्डर, ऐसे ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबसे पहले चेक करना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे ज़्यादा माइनस वाला N-3, फिर -2 वाले, फिर -1 वाले, फिर Na+, फिर Mg+2। ये क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं आप देख सकते हो PYQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप से भी दे सकता है कि F- का साइज अगर इतना है एंगस्ट्रॉम में, O-2 का इतना है, तो डेफिनेटली F- से O-2 ज़्यादा होना चाहिए, जो दे भी रखा है। नाइट्रोजन का कम होगा तो N-3 का क्या होगा? ऑप्शन आपको 4 गिवन होंगे, तो डेफिनेटली N-3 इन तीनों से बड़ा होगा, राइट। तो इन तीनों से बड़ा जो वैल्यू होगा वो आप पुट कर सकते हो। यहाँ पर साइज की बात करें तो N-3, फिर O-2, फिर F-, फिर नाइट्रोजन होगा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली 4 में इस टाइप का क्वेश्चन कि Na+ का अगर साइज 1.02 एंगस्ट्रॉम है, तो Mg+2 और Al+3 का क्या होगा? तो यू नो
एन ए प्लस से छोटा होगा एम जी और उससे भी छोटा होगा ए एल प्लस थ्री, तो इससे कम होना चाहिए 1.02 से, तो ये ऑप्शन गया 1.05 हो गया। और ये 0.72 उससे कम 0.54, तो ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो गया तो नहीं हो सकता। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन इनके एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताना है, तो पहले आप इसको लिख लिया करो, यू नो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है राइट, और इसी लाइन में ऑक्सीजन कार्बन है, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, अपने आप आपको क्विकली आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में इस टाइप से दे देते हो, तो ध्यान से देखो, तो ये एफ ब्लॉक वाले हैं राइट, तो एफ ब्लॉक वाले में यूरोपियम, ईयू, यूरोप वर्ड से, यूरोप इज ए बिग कंट्री, तो ये एटॉमिक साइज में सबसे बिग होते हैं अपने एफ ब्लॉक में, तो इसलिए ईयू सबसे ज़्यादा, फिर सी, फिर एच ओ, और नाइट्रोजन तो सबसे कम होगा क्योंकि ये एफ वाले हैं, ये नाइट्रोजन तो आपका सेकेंड पीरियड का राइट, और ये सब डाउन द ग्रुप में बहुत नीचे आते हैं। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो यू नो सीजियम राइट, ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया और डाउन द ग्रुप है, सबसे बिग साइज होगा, तो सीजियम सबसे बड़ा होगा, फिर मेटल में एल्युमिनियम आएगा, फिर सल्फर, फिर लास्ट में कार्बन, तो इस टाइप से भी दे सकता है, जस्ट आपको लॉजिकल थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ओ माइनस टू का अगर 2.2 एंगस्ट्रॉम है, एन ई का 1.8 है, तो ये बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, बट इनका साइज एन ई से भी छोटा होगा, 1.8 से छोटा कौन है, 1.7, ये तो हो नहीं सकता ये सब, क्यों? क्योंकि उससे बड़ा है। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने भी टाइप थे उसको हमने डिस्कस कर दिया, आप सारे पी वाई क्यू के क्वेश्चन को कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। पीरियोडिक टेबल में मेटालिक कैरेक्टर या नेचर ऑफ ऑक्साइड या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर लोगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, और जिसमें हम लोग मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल, वी नो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा और टॉप से बॉटम आने पे इंक्रीज होगा। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से देखा हो तो यू नो लेफ्ट में मेटल है और राइट में नॉन मेटल है, इसलिए लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली टॉप टू बॉटम में मेटालिक इंक्रीज हो रहा है बट नॉन मेटालिक डिक्रीज हो रहा है राइट, तो सिंपल है ये, सब जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 अगेन इजी है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में मैक्सिमम एलिमेंट मेटल है राइट, पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक विच कंटेन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, इसमें तीनों हैं। वी नो की मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होंगे, मेटलॉइड के जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं राइट, ये भी क्लियर आपको। पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड कौन कौन से हैं और उसको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए है रफी सर का ट्रिक, और ट्रिक क्या है, वेरी सिंपल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलोनियम और एस्टेटीन, ये हैं आपके मेटलॉइड पूरे पीरियोडिक टेबल के। उसको कैसे याद रखेंगे, सिंपल, बी से हो गया बालिका, एस आई से सीता, जी से गीता, ए से ऐश्वर्या, ये सब नेम हो गए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब टेलीफोन लाते, तो इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं मेटलॉइड को। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें जो नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात करना और इस पे बेस बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमें न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन है, चूँकि वेरी लेस है तो उसको हम इजीली याद रख सकते हैं, और उसके लिए भी रफी सर ने ट्रिक दिया है, न्यूट्रल ऑक्साइड को आप कैसे याद रख सकते हो, CNNO, यू नो CNN करके एक न्यूज चैनल आता है, तो CNNO, इसका क्या मतलब हुआ, एक बार C के साथ बोलो तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ध्यान दे CO, CO2 एसिडिक हो जाएगा, फिर सिर्फ CO जो लिख रहा हूँ बस भाई, N के साथ O लेंगे तो NO, और दो बार N है तो N2O, ये तीन ऐसे ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल हैं, डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेंगे और बेस से भी नहीं। सिमिलरली एम्फोटेरिक मतलब वैसे ऑक्साइड हो गए जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी, तो इसमें कौन कौन है, ZN, AL, BE, CR, GA, PB, SN, ये टोटल 7 है, और इसको कैसे याद रखेंगे, तो अगेन सिंपल ट्रिक, ZN से जनाबे, AL से आली, जनाबे आली ने, कनेक्टिंग वर्ड है, बेकार, BECR से बेकार, गाया पंजाबी सॉन्ग। इसमें ध्यान देना है कि ये खुद मेटल भी एम्फोटेरिक है और इनके ऑक्साइड या इनके कोई कंपाउंड बना लो वो भी एम्फोटेरिक है नेचर में।
यहाँ पे ध्यान रखना क्रोमियम कब, जब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, डेट मीन्स Cr2O3, यही सिर्फ एम्फोटेरिक होगा, सारे इसके ऑक्साइड नहीं, एक पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा लेड के केस में प्लस टू हो या प्लस फोर हो, सिमिलरली टीन में प्लस टू हो या प्लस फोर हो, सब एम्फोटेरिक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आपको क्लियर कर दिया। और एम्फोटेरिक का मतलब एसिड से भी रिएक्ट करेंगे बेस से। अब इनको छोड़ करके जो बच गया, तो उसमें यह मेटल होगा तो वो बेसिक हो जाएगा, नॉन मेटल होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो ये अगर पॉइंट अच्छे समझ गए तब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में ये तीन एलिमेंट गिवन थे, इसका मेटेलिक ऑर्डर बताना है। तो वेरी सिंपल, यू नो एस ब्लॉक वाले सबसे ज़्यादा मेटल होंगे, फिर उससे कम डी और उससे कम पी, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का है, ये बेरिलियम्स एस ब्लॉक में सेकेंड ग्रुप का है, राइट, और कैल्शियम भी सेकेंड ग्रुप का है। तो सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम हो जाएगा क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और कैल्शियम बेरिलियम में यू नो कैल्शियम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है और सबसे कम बेरिलियम होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए पहले आप उसको पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज है वैसे लिख लें। यू नो बेरिलियम है और बेरिलियम के नीचे ही कौन होगा, मैग्नीशियम, तब जाकर के है कैल्शियम और इसी के पहले है पोटेशियम। तो यू नो ये लेफ्ट टू राइट हो गया, तो लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है। तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो, पहले पोटेशियम फिर कैल्शियम फिर बेरियम, राइट। क्वेश्चन नंबर टू में मोस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछा गया है, डेट्स वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, ये सब 13 ग्रुप वाले हैं और डाउन द ग्रुप में यू नो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो सबसे नीचे कौन है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो ये वाले हैं सबसे नीचे, तो Tl2O3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में अगेन ये एलिमेंट दे दिए हैं मेटेलिक ऑर्डर। तो अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो पीरियोडिक टेबल में ये कैसे अरेंज है, सोडियम, इसी के बगल में मैग्नीशियम, राइट, आगे चल करके फिर सिलिकॉन और फिर फॉस्फोरस, और बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम से ऊपर है। तो वी नो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा तो सोडियम हो जाएगा, एस ब्लॉक का और फर्स्ट ग्रुप का है, तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका Be, क्योंकि ये सब एस ब्लॉक वाले मेटल होंगे, और ये पी ब्लॉक में है तो डेफिनेटली सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में इन सब के नेचर के बारे में, तो ध्यान से देखो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो क्या हो जाएंगे, एसिडिक, ये मेटल के हैं तो क्या हो जाएंगे, बेसिक। ये भी मेटल है बट आपको बता रखा हूँ, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, बस ये सेवन एलिमेंट ध्यान रखना है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। और ये CnNO से याद करवाया था तो N2O, तो ये कैसा हो गया आपका, न्यूट्रल। तो इस टाइप से मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फाइव में मेटालॉइड कौन होगा, तो मेटालॉइड के बारे में आपको बता दिया है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब टेलीफोन लाते, तो ध्यान से देखो टेलीफोन, तो ये वाला हो जाएगा, वेरी सिंपल अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो। सिक्स में NOH अगेन कैसा हो जाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, बेसिक, जनाबे आली ने बेकार BE, तो ये एम्फोटेरिक, राइट, फिर से ये जनाबे आली, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। और ये BOH होल्थराइस एक्चुअली में क्या है, H3BO3, ध्यान रहे, तो ये नहीं कि इसको एम्फोटेरिक कर दोगे, ये टिपिकल एसिडिक ऑक्साइड है, बोरिक एसिड है ये, तो ये एसिडिक हो जाएगा, मैच द कलम में भी दे सकता है, राइट। सिमिलरली पेयर ऑफ ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो बोरॉन के हो गए एसिडिक होंगे, लेकिन कैल्शियम मेटल तो बेसिक हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे N2O न्यूट्रल हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक हो गया, नहीं होगा। यहाँ पे बोरॉन एसिडिक हो जाएंगे, सिलिकॉन एसिडिक हो जाएगा, तो ऑप्शन D। सिमिलरली एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि XYZ थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, X का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, Y का एम्फोटेरिक है, Z का एसिडिक है, तो उनके एटॉमिक नंबर का, तो यू नो अगर X का बेसिक है तो वो S ब्लॉक का होगा, राइट, इधर का होगा, फिर एम्फोटेरिक आता है, राइट, और फिर उसके बाद एसिडिक, तो इसका मतलब Z का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा क्योंकि नॉन मेटल होंगे, Y वाले मेटलॉइड होंगे तब Y का होगा, और ये मेटल होंगे तो लेफ्ट कॉर्नर पर होंगे तो X का होगा। इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, कि जैसे HCl में जो बॉन्ड बना है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो एक्चुअली में क्या होगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इससे इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाते हैं और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। डैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिड में नहीं होंगे, वो मिडिल पॉइंट से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे। तो इसलिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा गया है, अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके शेल से बाहर नहीं गया, इस पॉइंट का ध्यान रखना। ट्रेंड वेरी सिंपल है, लेफ्ट टू राइट में, चूंकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, और टॉप टू बॉटम में ये डिक्रीज होगा। ये जनरल ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। नाउ ट्रिक जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं, और वेरी सिंपल, मैं आपको सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद करवा दूंगा ट्रिक से। कैसे, ध्यान से देखो, मैंने लेफ्ट टू राइट में एलिमेंट को लिख दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर उसके नीचे वाले ग्रुप लिख दिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इसके नीचे ब्रोमीन और आयोडीन। कैसे याद रखना आपको, वेरी सिंपल, वन से स्टार्ट करना है, वेरी इजी है, नंबर वन, और 0.5 आपको क्या करना है, इंक्रीज करते हुए चलना है। तो 0.5 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। तो देखो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज भी हो रहा है, और सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल पे आपको याद करवा दिया। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, बट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होगा तो क्लोरीन, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद डाउन द ग्रुप जाने पे कम होता है, तो आप देख सकते हो वन था तो 0.9, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इंक्रीज होगा, कितना से इंक्रीज कराना है, 0.3 से, तो 0.9 में 0.3 जोड़ोगे तो 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, याद हो गया ये। अब मैं दो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एक है pH। pH का क्या मतलब हो गया, जो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वही हाइड्रोजन की। फास्फोरस का आपने याद कर लिया 2.1, इसलिए हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2.1। दूसरा पॉइंट क्या है, ISC, इंटर ऑफ साइंस, ISC बोलते हैं। ISC का मतलब आयोडीन, सल्फर और कार्बन का सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन का कितना है वो आपने निकाल लिया, कितना, 2.5, तो वही सल्फर का भी होगा, तो ध्यान से देखो 2.5, और वही आयोडीन का होगा, तो ध्यान से देखो 2.5, राइट। अब यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ पे 0.5 हमने इंक्रीज कराया, 0.3 मत करना, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि ये 2.5 है और ये खुद 2.8 है, तो इससे ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर है, तो इसका 3 है। ध्यान रहे नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम नहीं है, डेसिमल के बाद डिफरेंस है, जैसे ये 3.2 होगा तो हो सकता है ये 3.01 हो, हमें उतना तो मतलब है नहीं। वैसे अगर नाइट्रोजन क्लोरीन पूछा जाए तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन से, तो ये वैल्यू ही आपको रटवा दिया, तो अब आप इस पर बेस्ट किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन में करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, तो आपको बता रखा हूँ, सबसे पहले तो एलिमेंट को पहचान लो कहाँ का आई है, तो ओल्ड स्टाइल से टेलीफोन, ये डाउन द ग्रुप वाले हैं, ये वाले कहे सीता जी, तो जी, और इधर है बैगन, आलू, गाजर, तो ये लेफ्ट टू राइट वाले हैं। ये वाले अगर आप ध्यान से देखो तो आपका सिलिकॉन है और एल्युमिनियम है, तो पहले एल्युमिनियम फिर सिलिकॉन, राइट, तो ये भी लेफ्ट टू राइट वाले हैं, और फास्फोरस सल्फर भी आपका लेफ्ट टू राइट वाले हैं। तो यू नो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है, तो ये वाला में तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है तो इसका कम होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है तो एल्युमिनियम का ज़्यादा नहीं होगा, सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, इसलिए रॉन्ग है, और इसमें भी सल्फर का ज़्यादा होगा, इसलिए रॉन्ग है। तो वेरी सिंपल, ट्रेंड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको ये वैल्यू याद करवा दिया है, यूनो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का होगा, क्योंकि वो कितना था, 2.8, आपको याद ही करवा दिया हूँ, सबसे ज़्यादा ब्रोमीन वाले दो ऑप्शन है। उसके बाद कौन होगा, तो यू नो कार्बन, क्योंकि कार्बन का कितना था, 2.5, उस ट्रिक सब इजीली कर लोगे, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। मैं आपको टोटल 4 ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा, जिससे आप पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को 20 सेकंड के अंदर में कर लोगे। तो ध्यान से देखो पॉइंट नंबर 1 कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एन्थैल्पी सब एक ही बात है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है आई या आईपी से।
या डेल्टा एच आई, डेट मीन्स आयोनाइजेशन इनथैल्पी। तो इसमें तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को आउट करना है, मतलब रिमूव करना है। कहाँ से करना है? आउटर मोस्ट सेल, डैट मीन्स एकदम लास्ट सेल से। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की जो एटम आपको लेना है, ध्यान दे, एटम वो तो आइसोलेटेड होना चाहिए, डैट मीन्स उसका किसी से कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, एंड गैस फेज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस फेज में इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ईजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की एनर्जी के बारे में क्या है? तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इन होगा, रिक्वायर्ड होगी, और इसलिए ये ऑलवेज एक इंडोथर्मिक होगा, ऑलवेज इंडोथर्मिक होंगे, डैट मीन्स डेल्टा एच पॉजिटिव साइन से इसका लिखना है। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट नंबर टू, डैट इज ट्रेंड। ट्रेंड का ये मतलब है कि जनरली हम बात कर रहे हैं, देयर मे बी सम एक्सेप्शन जो हम बात करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट, डैट मीन्स जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट? और टॉप टू बॉटम में जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज होता है इंक्रीज। इसको याद रखना बहुत ईजी है। टॉप टू बॉटम, डैट मीन्स क्या हो रहा है? आप डिक्रीज हो रहे हो, पहले टॉप पे थे, आप बॉटम में कम हो रहे हो, तो टॉप टू बॉटम में डिक्रीज, ऐसे याद रखो। तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज से, डैट मीन्स न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफ़ी क्लोज होगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। लेकिन न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए साइज बढ़ने की वजह से टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है, साइज कम होने की वजह से लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइज ही एक फैक्टर है, देयर मे बी सम अदर फैक्टर, बट मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर साइज है। ओके, पॉइंट नंबर थ्री, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं एक एलिमेंट लिया और उसमें इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से हमने दिखाया, तो ये आउटर मोस्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन है, ये तीन, और ये इनर शेल के। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब मैं रिमूव करूँगा तो उसको बोलूँगा I1, फिर जब ये निकल चुका होगा इसको निकालेंगे तो बोलेंगे I2, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब सेकेंड निकाल रहे हैं। फिर ये जब 2 निकल चुका होगा, 3 निकालेंगे तो इसको बोलेंगे I3, डेट मीन्स तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। फिर ये जब तीनों निकल जाएंगे तो इनर शेल में आप पहुंच जाएंगे, और यहाँ से निकालेंगे तो I4 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि I1, सपोज करते हैं X, Y, Z, M, ऐसे भी दे सकता है या कुछ वैल्यू दे देगा। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू आपको याद रखना, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 100, 400, 600, 2000 ऐसा। तो इसमें बस क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि आपको क्या ट्रेंड देखना है कि क्या हो रहा है। I1 सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा I2, उससे ज़्यादा I3, उससे ज़्यादा I4 एंड सो ऑन। ये ऑलवेज होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑलवेज आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज गैप को देखना है दो के बीच का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे गैप 300 का है, यहाँ पे 200 का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो गैप होगा, जो हाई गैप होगा, उससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग जाएगा। जैसे इस केस में सबसे ज़्यादा गैप थर्ड और फोर्थ के बीच में, डैट मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन तक निकालना हमारे लिए ईजी है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। जिन दो के बीच गैप मिलेगा तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। सेम चीज़ उससे हमें पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, ये सब के बारे में पता लग सकता है। जैसे वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप नंबर 13 हो सकता है, राइट? ब्लॉक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक में आ जाएगा। सिमिलरली अगर कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है या बॉन्ड के बारे में, कैरेक्टर इन द सेंस कि मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, या इसके ऑक्साइड कैसे होंगे, या ये अगर बॉन्ड बनाएगा तो किस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे, तो इस टाइप से इस पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना, वैल्यू कैसे आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट चेंज आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पर हो रहा है, राइट? एंड पॉइंट नंबर फोर, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कहीं पर हाफ फील्ड कन्फिगेशन हो रहा है तो वहाँ पे हाफ फील्ड वाले का आयनस एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। और ये कहाँ पे लगाना आपको? ग्रुप नंबर 15 और 16 में, ध्यान दें, बस यहीं पे लगाना जहाँ पे लिखा हूँ। डैट मीन्स 15 वाले का ज़्यादा हो जाएगा 16 वाले से, बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग 16 का ज़्यादा होना चाहिए, बट देयर इज एक्सेप्शन। तो 15 का ज़्यादा, डैट मीन्स कहीं पर अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उसका ज़्यादा होगा P4 से। वैसे ही कहीं पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उसका ज़्यादा होगा D6 से, तो ये ध्यान रखना। वैसे ही कहीं पे अगर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो फिर वो उसका ज़्यादा होगा, जैसे ग्रुप नंबर 2 का ज़्यादा होता है 13 से,
क्यों? क्योंकि उसके एस में दो होते हैं, 13 वाले में एस में दो और पी में वन है, राइट। तो ये ग्रुप टू वाले फुलफिल्ड हैं, तो डैट मीन्स बेरिलियम का ज़्यादा होगा ब्रॉन्ज से। तो ये दोनों पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना है। यही रीज़न है कि ये दोनों मैंने लिस्ट आउट किया है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। लिथियम से ज़्यादा कौन होना चाहिए था? बेरिलियम, डैट इज ओके। बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा हो गया है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें फुलफिल्ड है, इसमें फुलफिल्ड नहीं है, तो इसलिए बेरिलियम को आगे करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ। वैसे कार्बन अपनी जगह पे ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में फिर से प्रॉब्लम हुआ। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिर से आपका हाफ फील्ड वाला हो गया, तो हाफ फील्ड का ज़्यादा कर देना है नेक्स्ट नियरेस्ट से। अपने पीछे वाले से तो ज़्यादा हो गई, नेक्स्ट नियरेस्ट से भी ज़्यादा करना है। फ्लोरीन और ऑलवेज नोबल गैस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें पूरा फुलफिल है, राइट। तो नोबल गैस को ऑलवेज हाइस्ट में रखना है। वैसे ही अगर मैं थर्ड पीरियड में जाऊँ तो सोडियम एलमोनियम पहले आ गया, मैग्नीशियम बाद में। यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, वही किसकी वजह से? फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। और सल्फर और फास्फोरस में फिर से प्रॉब्लम हुई, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड हुआ। तो बाकी आर्गन तो सबसे ज़्यादा हो गई, क्यों? क्योंकि नोबल गैस है। तो ये चार पॉइंट अच्छे से समझ लेना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी बात करेंगे हम, वो एक्सेप्शन ही होगा। जैसे पॉइंट नंबर वन कि ग्रुप 13 और 14 में एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कैसा है? डाउन द ग्रुप जाने पे वी नो कि आयनाइज एनर्जी डिक्रीज होती है। तो कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा, राइट, उससे कम सिलिकन, उससे कम जर्मेनियम। उसके बाद लेड और टिन में एक्सेप्शन है, होना चाहिए किसका ज़्यादा? टिन का। लेड का कम होना चाहिए क्योंकि डाउन द ग्रुप है, बट लेड का ज़्यादा होता है टिन से। तो ये ध्यान रखना, और जहाँ पे एक्सेप्शन बता रहे वहीं पे। तो ग्रुप नंबर 13 में जो लास्ट वाला है वो सेकेंड लास्ट से ज़्यादा हो जाता है, जबकि उल्टा होना चाहिए। वैसा ही 14 ग्रुप में जो लास्ट वाला है वो सेकेंड लास्ट से ज़्यादा हो जाता है, डैट इज एक्सेप्शन। तो ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर टू, अगेन ग्रुप नंबर 13 में कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शन है। वी नो कि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होता है एनर्जी, तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर ये है, और इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे? वेरी सिंपल, आपको एक W बनाना है, और थोड़ा स्टाइल से। कैसे? तो ध्यान से देखो, आपने यहाँ तक किया, ये अब ये वाले डंडे को थोड़ा नीचे खींच देना है। नीचे होने की वजह से ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा, सबसे ऊपर कौन आ रहा है? बोरॉन। फिर उसके बाद कौन आ रहा है ध्यान से देखो? थैलियम। फिर कौन आ रहा है आपका? गैलियम। फिर कौन आ रहा है? एल्युमिनियम। फिर लास्ट में इंडियम। तो इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल, एक W हमें बनाना है, और थोड़ा सा स्टाइल से, और सीरियल ऑर्डर में उस पर एलिमेंट के नाम लिख दें, और आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे। तो ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर थ्री, जो ऑलरेडी बात भी कर रखे हैं, कहीं पे भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है तो वो नेक्स्ट नियरेस्ट से उसका आयनाइज एनर्जी ज़्यादा होगा, और फुल फील्ड हो रहा है तो भी नेक्स्ट नियरेस्ट से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन से, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन के पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन में 4 है। वैसे ही फुल फील्ड वाला, जैसे मैग्नीशियम का ज़्यादा हो गया एल्युमिनियम से, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि इन दोनों में कौन होगा, तो जब इस टाइप से दे दे या Ie2 की बात करे तो उसको ध्यान से समझना। O प्लस का मतलब आपने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या होगा एक तरीके से? नाइट्रोजन। F प्लस का मतलब फ्लोरिन से एक निकाल दिया, तो एक्चुअली में क्या हो गया? ऑक्सीजन। और वी नो कि ये हाफ फील्ड हो गया था, इसलिए इसका ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस देकर के, या ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की Ie2 कंपेयर करो। ऐसा दे दिया तो Ie2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो आप निकाल लिया करो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, और कन्वर्ट हो जाएगा इन द सेंस कि उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हो जाएगा, और फ्लोरीन ऑक्सीजन जैसा हो जाएगा। अब आपको ईजी है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है तो इसका ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। Ie1 पूछ रहा है, Ie2, Ie3, जहाँ भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड लगे तो लगाना आपको। तो अब हम अप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन में इस टाइप से आपको एलिमेंट गिवन थे, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे एलिमेंट लेफ्ट टू राइट वाले हैं, तो उसके ऑर्डर में लिख दो, फिर आप कंपेयर करना। तो विनो लिथियम सबसे पहले आएगा, तो लिथियम होगा, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, डैट इज ओके, और बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन होना चाहिए, बट फुलफिल कन्फिगेशन होने की वजह से
तो बेरिलियम को आगे करना पड़ेगा और बोरॉन को पीछे, यू नो। तो यहाँ पे एक्सेप्शन था, बस इसका ध्यान रखना है। उसके बाद यू नो कि कार्बन होंगे, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रॉब्लम आएगा, ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन बाद में ड्यू टू हाफ फिल, बस हाफ फिल फुल फिल का ध्यान रखना है, देन फ्लोरीन आएंगे, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में आई वन सोडियम का ज़्यादा होगा मैग्नीशियम से, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, बट मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा सोडियम से, तो ये हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक तो लेफ्ट टू राइट है, और वैसे भी यहाँ पे बाय द वे मैग्नीशियम का साइज छोटा है सोडियम से, तो साइज छोटा होगा तो ज़्यादा होगा। इवन दो मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से भी बड़ा होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना था। बट अगर आई टू की बात करें, आई टू मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो एन ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन ए प्लस, और एन ए प्लस मतलब क्या हो गया, नियॉन एक तरीके से हो गया, और एम जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज एन ए में। क्यों? क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, फर्स्ट आयन एनर्जी मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, बट सेकेंड अब एन ए का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो एन ए प्लस नोबल गैस में आ गया, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थ्री में इस टाइप से आपको वैल्यू दे देगा और किसी एक का वैल्यू पूछ लेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम होगा, डैट इज ओके, मैग्नीशियम से ज़्यादा सिलिकन होगा, बट मैग्नीशियम एल्युमिनियम में आपको मालूम है एक्सेप्शन है, ये फुलफिल्ड है, तो इसका एल्युमिनियम से भी ज़्यादा होगा, डैट मीन्स एल्युमिनियम का इन दोनों के बीच में होगा, 496 से तो ज़्यादा होगा, बट 737 से कम होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो, तो ये नहीं हो सकता, राइट, 768 ये ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, 5777 यस ये हो जाएगा, और ये तो नहीं हो सकता। तो इस टाइप के भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैल्यू आपको याद नहीं रखना, जस्ट लॉजिकल थिंकिंग करना बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर में इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है, तो जब भी इस टाइप से आ जाए तो पहले उस एलिमेंट को ही आप आइडेंटिफाई कर लो, 3H2 मतलब ये मैग्नीशियम है, राइट, ये 3H2 3P1 मतलब एल्युमिनियम है, ये आपका 3H2 3P3 मतलब फॉस्फोरस है, और ये सल्फर है। तो वी नो इन दोनों में भी एक्सेप्शन है और इन दोनों में भी एक्सेप्शन है, ये फुलफिल होने की वजह से ये ज़्यादा है, और ये हाफ फिल होने की वजह से ये ज़्यादा है, और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका सी का हो जाएगा, क्योंकि वो फॉस्फोरस हो गया एक तरीके से, फिर आपका डी सल्फर, फिर इन दोनों में पहले ए और लास्ट में आपका बी, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, ध्यान दें। जब भी कुछ मेंशन नहीं हो तो हम पहला आयनाइजेशन एनर्जी लेंगे, जब तक वो ना बोले कि 2 का कंपेयर करना है 3 का, तब तक आप 1 का करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि ये आयनाइजेशन एनर्जी का सक्सेसिव वाला वैल्यू है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वही बताया था, गैप आप देखो, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, और यहाँ से यहाँ का, सबसे ज़्यादा गैप अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच है, राइट, क्यों, क्योंकि ये 3000 के आसपास है और ये 32000, वेरी बिग गैप है ये, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इजी है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, इसलिए ये ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर ये ग्रुप नंबर 13 का है, डेट मीन सपोज करते हैं एल्युमिनियम होगा, तो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो किस टाइप का फॉर्मूला बनाएगा, तो AlCl3 इस टाइप से पूछा जा सकता है। मेटल होगा नॉन मेटल होगा ये पूछा जा सकता है, राइट, तो देर आर सो मैनी वेज टू आस्क एनी क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज, राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो वी नो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, वैसे भी जिंक एक तरह से D10 है, राइट, S2 है, पूरा फुलफिल्ड है, तो जिंक का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम निकेल, इसमें D5 है, हाफ फिल्ड है, तो डेफिनेटली मैंगनीज का ज़्यादा होगा और टाइटेनियम। यहाँ पे मैंगनीज को ज़्यादा मत कर देना निकेल से, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, नेक्स्ट नियरेस्ट में लगाना, तो मैंगनीज का नेक्स्ट नियरेस्ट आयरन था, उसमें लगाना था, यहाँ पे आयरन है नहीं, बाकी में वो ऑर्डर नहीं चलता, जस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट पे लगता है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर को कंपेयर करना है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं। पहले सेकेंड मतलब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरॉन में, राइट, B- कर देता हूँ मैं, नाइट्रोजन C- कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन N- नाइट्रोजन हो जाएगा, और फ्लोरीन O- हो जाएगा, पहले ऐसे दिखा लो। अब इसमें तुम्हें मालूम है लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, और हाफ फिल फुल फिल का ध्यान रखना है, तो इसमें हमें मालूम है कि N- जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा O- से, राइट, और इन दोनों में बोरॉन कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन ज़्यादा होगा और बोरॉन कम होगा। अब इसी पे मत छोड़ देना, N- आपका कौन था, ऑक्सीजन, O- कौन था, फ्लोरीन, फिर चेंज कर देना है, C- कौन था आपका,
नाइट्रोजन और बी डैश कौन था कार्बन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले इसको पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं वैसे अरेंज कर लें। यू नो आर्गन है, आर्गन के इधर में सल्फर है, इसके नीचे सिलेनियम है, राइट, कैल्शियम आपका यहाँ पे और नीचे में बैरियम है। तो यू नो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है। तो आपको एक आइडिया मिल चुका है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आर्गन का होगा, राइट, फिर सल्फर के होंगे, फिर सेलेनियम, उससे कम कैल्शियम और सबसे कम बैरियम का होगा क्योंकि मेटल है। इन जनरल आप ध्यान रखना मेटल का कम होगा, नॉन मेटल का ज़्यादा होगा, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन इम्पॉर्टेंट है, यू नो बोरॉन के पीरियड में फ्लोरीन होगा और सल्फर जो होगा वो इधर कहीं पे होगा, राइट, और फॉस्फोरस यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना फ्लोरीन का तो सबसे ज़्यादा होगा, सल्फर फॉस्फोरस में यू नो फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा हाफ फील्ड से और फिर सल्फर होंगे, बोरॉन का सबसे कम होगा। कुछ बच्चे सोच रहते हैं वो सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का, तो डाउन द ग्रुप में डिक्रीज होता है, बेटा वो पॉइंट है, बट यू नो कि ये सारे नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है और इसमें मेटेलिक करेक्टर है, मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना बोरॉन का कम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इनके आने से एनर्जी ऑर्डर, तो ये वही वाले हैं 14 ग्रुप वाले एक्सेप्शन वाले, तो ध्यान रखना कार्बन सबसे ज़्यादा होगा, सिलिकन सुनो प्रभु में, प्रभु पहले फिर सुनो बाद में, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं, जस्ट सारे टाइप के मैंने कवर कर लिए, और भी PYQ क्वेश्चन है, सब इससे मिलते जुलते होंगे, वो आप कर सकते हो और आप देखेंगे आपका क्वेश्चन इजीली बनेगा। मैं टोटल आपको 4 कंसेप्चुअल ट्रिक्स देने जा रहा हूँ जिससे आप पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विद इन 20 सेकेंड में कर लोगे और वो भी करेक्ट। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना आपको कि इलेक्ट्रॉन इन होगा इस केस में, डैट मीन्स आपको इंटर कराना कहाँ, लास्ट सेल में, ओके। पॉइंट नंबर 2, जो एटम लेना है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, राइट, एंड गैस फेज में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जो एनर्जी होगी वो आउट होगी, डैट मीन्स रिलीज होगी। तो जनरली ये वर्ड मैंने लिखा है कि जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में इंटर कराते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, जनरली कहीं कहीं पे पॉजिटिव भी हो सकता है, और चूंकि एनर्जी रिलीज होती है तो इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जनरली, वो भी फर्स्ट वाला, राइट, तो इसलिए डेल्टा एच निगेटिव होगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसी पॉइंट को कि डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में इंटर करा लिया उसके बाद फिर अगर इंटर करा लो तो ऑलवेज पॉजिटिव, डैट मीन्स इंडोथर्मिक होगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, जैसे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराया तो ओ माइनस बना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि न्यूट्रल एटम में हमने इंटर कराया, तो डेल्टा एच ई जी इसका निगेटिव होगा, डैट मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। बट अब ओ माइनस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन इंटर कराऊँ तो ओ माइनस टू बनेगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब ये पॉजिटिव होगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये भी माइनस, राइट, अनायन हो गया, इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, तो माइनस माइनस चार्ज अपने आप तो पास में आएंगे नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन होगा, तो इसलिए ऑलवेज एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव। तो इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि आयनस एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव था, इंडोथर्मिक था। ट्रेंड की अगर बात करें तो वेरी सिंपल, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा, बट साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है, इसलिए निगेटिव साइन में मैं बात कर रहा हूँ, निगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हुए, तो लेफ्ट टू राइट में वैल्यू इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगी। अगेन यहाँ पे याद रखने के लिए वही सेम पॉइंट, टॉप से बॉटम कम हो रहा तो डिक्रीज होगी, ये बिल्कुल ट्रेंड वही है जो आयनाइजेशन एनर्जी का है। कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, नोबल गैस के केस में, क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कहीं पे हाफ फील्ड जैसे नाइट्रोजन के केस में फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी फर्स्ट वाली, ये ध्यान रखना, और बाकी सब तो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्लियर है। मेटल के केस में ऑलवेज मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन आप इंटर कराओगे तो डेफिनेटली उस केस में पॉजिटिव होगा। जनरली ये जो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं वो नॉन मेटल के लिए, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
पॉइंट नंबर थ्री, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही बात है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए सिर्फ साइन चेंज होंगे, वैल्यू वही रहेगी। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जनरली नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और रेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, राइट, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना कम होता है, तो क्वेश्चन में जनरली हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, अगर साइन के साथ बात कर रहा है तो फिर चीज़ें उलट जाएंगी, राइट। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दैट मीन्स वी आर इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। एंड पॉइंट नंबर फोर, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, और जितना लिखा हूँ बस इतना ही ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 17 में एक्सेप्शन है, यू नो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, राइट, तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन ऐसे आना चाहिए, बट क्लोरीन फ्लोरीन से आगे आ गया, डेट इज एक्सेप्शन, और इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। बाकी एज यूजुअल ऑर्डर है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्लोरीन को 17 ग्रुप में आगे कर देना है। 16 ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, राइट, सल्फर सबसे ज़्यादा आया, डेट इज ओके फाइन, उसके बाद सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया, ये ध्यान रखना। तो 16 ग्रुप में इस टाइप का ऑर्डर है, और विथ नेगेटिव साइन वी आर कंसिडरिंग। सिमिलरली 18 ग्रुप में भी प्रॉब्लम है, और वहाँ पे नियॉन का सबसे ज़्यादा है, फिर आर्गन, क्रिप्टन का ऑलमोस्ट सेम है, जेनॉन, रेडॉन और हीलियम, और ये पॉजिटिव साइन की बात कर रहा हूँ, विद पॉजिटिव साइन है, क्यों, क्योंकि नोबल गैस है तो एनर्जी देना पड़ेगा। और सिमिलरली 15 ग्रुप में भी एक्सेप्शन है, राइट, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन यहाँ पे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान दो तो 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप, क्योंकि यही नॉन मेटल या नोबल गैस वाले हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। 15 में कैसा एक्सेप्शन है कि डाउन से ही, मतलब पूरा ऑर्डर चेंज हो गया, क्योंकि हम पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ही चेंज हो गया। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसा था उसका निमोनिक्स डाउन द ग्रुप जाने का, तो एंटीमनी पहले आ गया, फिर बिस्मथ आया, फिर ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। सिमिलरली आपको 18 ग्रुप पे भी ध्यान रखना है, 16 ग्रुप में सल्फर तो आगे आया, ठीक है, बट ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया। तो एक पॉइंट का ध्यान रखना आपको कि ये जो आपका 16 ग्रुप है और 17 ग्रुप है इसमें, और या फिर 15 ग्रुप, ये आप कह सकते हो 15, 16, 17 में, एक बात क्लियर है कि जो सेकेंड पीरियड वाले हैं उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है किससे, उसके थर्ड पीरियड वाले से, डैट मीन्स 15 में जैसे बात करें तो फॉस्फोरस का ज़्यादा नाइट्रोजन से, जबकि उल्टा होना चाहिए था, वैसे 16 में सल्फर का ज़्यादा ऑक्सीजन से, इतना भी कम से कम ध्यान रखना, और 17 में क्लोरीन का ज़्यादा फ्लोरीन से, एटलीस्ट इतना तो आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। नाउ एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर वन में इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और बच्चे को पहला ऑप्शन ये देखता है, राइट, क्योंकि उसको मालूम होता है क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, और वो इस ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। बेटा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग थिंक करना है, अगर मान लो तुम कह रहे हो ये इनकरेक्ट है, तो फिर ये भी इनकरेक्ट होगा और ये भी इनकरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन का ज़्यादा होता है एस्टेटिन से, और टेलेरियम का ज़्यादा होता है पोलोनियम से, विथ नेगेटिव साइन अगर कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे सिंगल करेक्ट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हो। तो कभी कभी हमें ऑप्शन से समझ में आता है कि हमें साइन लेना है या नहीं लेना है, तो यहाँ पे विथ साइन आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विदाउट साइन ले लिए तो फिर आपको तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो विथ साइन लेंगे तो फ्लोरीन ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्योंकि नेगेटिव में जितना कम वैल्यू होता है उतना ज़्यादा होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, फिर ये भी करेक्ट हो जाएंगे, फिर ये भी, तो इसलिए इनकरेक्ट कौन होगा, ये, क्योंकि नेगेटिव में सल्फर का ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगी, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन बी। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझ लेना। क्वेश्चन नंबर टू में इस टाइप से दे दिया कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, तो अगेन ऑप्शन से, अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा नेगेटिव में, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो विथ नेगेटिव साइन आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और फिर फ्लोरीन का, फिर टेलोरियम का, फिर पोलोनियम का, तो ऑप्शन बी, क्योंकि आपको बता रखा हूँ वेरी सिंपल है। 17 ग्रुप जिसमें कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये है डाउन द ग्रुप में। तो इसमें हमने बोला कि इसमें एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ क्लोरीन को आगे कर लेना, बाकी एज यूजुअल है, क्योंकि वी नो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो ये जो है वो विथ नेगेटिव साइन है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सिमिलरली 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये हैं, राइट। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, सल्फर तो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और लास्ट में आपको ऑक्सीजन करना है। ध्यान दें ये भी विथ नेगेटिव साइन है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे 17 और 16 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन था, क्लोरीन ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, और टेलोरियम पोलोनियम में आप देख सकते हो टेलोरियम ज़्यादा होगा पोलोनियम से, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला नहीं हो पाएगा राइट, और बाकी भी नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोली दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विथ पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव का आप झंझट ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी फॉर हैलोजन, तो हैलोजन के लिए अभी आपको बताया क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हैं। तो इसलिए इन दोनों को अच्छे से समझ लेना, मैंने कैसे डाउन द ग्रुप लिख दिया है, आपको थर्ड पीरियड वाले को आगे कर देना है, और इसमें बाकी एज यूजुअल ऑर्डर है, जबकि इसमें पूरा इधर से पहले लास्ट में ऑक्सीजन आता है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखो फिर से आ गया डेल्टा एच इजी ऑर्डर, तो अभी आपको बताया 16 ग्रुप में कैसे करना हमें, तो सल्फर तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर ऑक्सीजन, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन था, इसलिए इसको ध्यान रखना है। थर्ड पीरियड वाले को आगे किया, उसके बाद ये पहले नीचे वाले, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। अगेन यहाँ पे हम कैसे ले रहे हैं, विथ नेगेटिव साइन, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन होता है, सिर्फ कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बोल देगा कि आपको साइन लेना या नहीं लेना, कुछ नहीं बोला तो साइन के साथ कंसिडर करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन इंडोथर्मिक नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन इंटर करा रहे हैं तो देना पड़ेगा। यहाँ पे नॉन मेटल हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन इंटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है, तो ये एक्सोथर्मिक होगा, ये इंडो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑलवेज इंडोथर्मिक, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंडोथर्मिक, तो इसलिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरीके से ये पेयर गिवन था, और पूछा जा रहा था कि किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन होने पे, तो यूनो कि इन दोनों में क्लोरीन में ज़्यादा होगा, इन दोनों में ध्यान दें सल्फर में ज़्यादा होगा, और इन दोनों में लिथियम में, तो क्लोरीन, सल्फर, लिथियम वाला ऑप्शन बी है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑक्सीजन का नेगेटिव है, डेट इज ओके राइट, नॉन मेटल है, इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बता रखा हूँ, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता था, ऑलमोस्ट सेम, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव होगा नहीं, तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान दें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब विथ पॉजिटिव साइन लेना आपको, तो यू नो क्लोरीन का नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, तो पॉजिटिव करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी इसका कितना होगा, तो ध्यान दें यहाँ पे ये आयंस बन चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रल एटम बनना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज होगी तो माइनस वाला होगा, और अगर निकालने में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देना पड़ रहा है तो ऐड करने में वही उतना ही देना पड़ेगा राइट, तो वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ ज्ञान की बात, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो ये सेकेंड पीरियड वाले हो गए और ये थर्ड पीरियड वाले, तो थर्ड पीरियड वाले का इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड वाले से, इन दो केस में, ये हो गया 16 ग्रुप और ये 17 ग्रुप में, ये ध्यान रखना, तो इसलिए सल्फर का ज़्यादा ऑक्सीजन से और क्लोरीन का ज़्यादा फ्लोरीन से, विथ नेगेटिव साइन की बात कर रहे हैं, अगर आप साइन के साथ ले लोगे तो चूंकि नेगेटिव में ज़्यादा है तो अगर ऐसे कंसिडर करें तो ये वैल्यू फिर कम हो जाएगी, तो जो आपको बता रखा हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थिंक करना है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे राइट। और सिमिलरली यू नो 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे पॉइंट क्या आपको मालूम है कि क्लोरीन सबसे आगे आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, फिर एज यूजुअल ऑर्डर, अगर अब मान लो कि क्लोरीन नहीं है अब, तो एज यूजुअल ऑर्डर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन,
फिर एस्टेटीन, ये हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखेंगे, 16 ग्रुप में अगेन सल्फर का ज़्यादा होगा, तो सल्फर हो गया राइट। अब मान लो सल्फर नहीं है, तो यहाँ पे कैसा था, फ्लोरीन उसका ज़्यादा था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, इसमें और भी एक्सेप्शन है, ये नहीं है। उसके बाद ये वाला लिख देना है, तो सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, उसके बाद आपको ऑक्सीजन लास्ट में लिखना है। तो ये ध्यान दे, ये विथ निगेटिव साइन हम ले रहे हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो यही याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 99% यहीं से आएंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा।